क्रेडाई BANM खांडेश्वर पनवेल में प्रॉपर्टी एग्जीबिशन के दूसरे दिन पैराडाइज ग्रुप के स्टॉल पर लोगों का आना जाना लगा रहा। हम सभी को मालूम है कि पिछले महीने पैराडाइज ग्रुप ने साई सिटी पनवेल में एक कार्निवल रखा था। उस कार्निवल में तकरीबन 40,000 लोगों ने विजिट किया था। जब आज खांडेश्वर में प्रॉपर्टी एग्जीबिशन चल रहा है, तब कार्निवल से पहले और कार्निवल के बाद भी पैराडाइज ग्रुप के स्टॉल पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। पैराडाइज ग्रुप के MD मनीष भटीजा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहाँ भी हमें ग्राहकों का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों को हमारे साथ एक प्रेम है, उस प्रेम की वजह से हमें हर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने को अच्छा लगता है, क्योंकि लोग स्पेशली हमारे पास आते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर रेफरेंस लेके आते हैं, खुद आते हैं, और एग्जीबिशन में नए नए लोगों का हमसे डायरेक्ट मुलाकात होता है। कल एक फैमिली नगर से आई थी, उन्होंने बोला कि हम एक घंटे से आपका वेट कर रहे थे कि हमें जो टोकन चेक जो है आपके हाथ में ही देने का है, और अभी अभी हम आपके साईं वर्ल्ड सिटी से मंदिर से साईं बाबा के मंदिर से होके आए, लेकिन हम आपके इंतजार में थे कि आप जब भी आओगे आपको ही हाथ में चेक देंगे। तो ये जो भावना है, ये जो प्रेम पैराडाइज के प्रति लोगों का है, उसके लिए एग्जीबिशन में आके लोगों के बीच में रहने में एक अलग ही एक आनंद मिल रहा है। एंड पैराडाइज ने जो ये ब्रांड इमेज जो कमाई है, उसके भी ये बहुत सारे कस्टमर्स का विश्वास होने की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और आगे भी साईं वर्ल्ड सिटी जैसी सक्सेसफुल पोजीशन सेरेमनी करने के बाद ऐसी कई सारी पोजीशन सेरेमनीज होती रहेंगी। देखिए कि नवी मुंबई का बिल्डर बाकी लोगों से, बाकी सिटी से अलग काम कर रहा है, ये हर आदमी को पता चल गया है, चाहे वो एक सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, ऑफिसर्स हो, पता है कि नवी मुंबई एक अलग लेवल पे पहुंच गई है, और उसी वजह से आज ये जो भीड़ देखने को मिल रही है, ये उसका एक सबूत है। हाँ, इम्पोर्टेंट है कि अभी दो दिन ही बचे हैं, तो आप लोग जितने लोगों ने विजिट नहीं किया है, इस एग्जीबिशन को विजिट करके इसका लाभ उठाएं। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट FS न्यूज़, खांडेश्वर पनवेल।